हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को किलोग्राम पे आधारित प्रश्न बताने वाले हैं कि अगर आपको किलोग्राम पे आधारित प्रश्न दे दिया जाए तो आप इसे किस तरह से बनाएंगे। पहले आपको ये जानना होगा कि 1 केजी 1 किलोग्राम बराबर होता कितना है। तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है क्या, 1 किलोग्राम 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया है। कितना है? 40 रुपया। तो 100 ग्राम का दाम बताएं, हमको निकालना कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया है। ठीक है, पूछ रहा क्या 100 ग्राम का दाम। तो 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1 केजी बराबर क्या हुआ? 1000 ग्राम। हमको मानना है 1000 ग्राम। ठीक, तो हम 100 ग्राम का दाम निकाल रहे हैं। क्या? 100 ग्राम। 100 ग्राम का चीनी का दाम बताएं, 100 ग्राम चीनी का दाम बताएं। तो हमको 40 लिखना है, बटा में कितना? 1000। 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000। 1000 गुने 100 यहाँ लाए हैं, तो 100 को हमको यहाँ लिख देना है, गुना कर देना है। बस अब काट लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, मेरा मान कितना आ गया? 4, 4 रुपया। तो 100 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया? 4 रुपया। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, 1 केजी बराबर, 1 केजी बराबर 100, 1000 ग्राम कितना? 1000 ग्राम बराबर कितना है? 40 रुपया है। ठीक, अब पूछ रहा है कितना? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का दाम पूछ रहा है, तो हमको इधर से एक अंक के बाद पॉइंट दे देना है। क्या करना है? एक अंक के बाद पॉइंट दे देना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? सिर्फ 4, 4 रुपया ही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्या किए? जब 1 केजी का दाम दिया हुआ रहे तो हमको 100 ग्राम का दाम निकालना रहेगा, तो जो भी मूल दिया हुआ रहेगा उसके एक अंक के बाद हमको पॉइंट दे देना है, वही मेरा 100 ग्राम का दाम आएगा। कितना का? 100 ग्राम का। अगर इसमें पूछता कि 500 ग्राम का दाम बताएं, तो हम क्या करते? 5 से इसमें गुना करते हैं, क्योंकि 100 ग्राम का दाम है 4 रुपया। अब 500 ग्राम यानी 100 का 5 गुना, इसी प्रकार से मूल भी उसका 5 गुना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, उसी तरह से यहाँ क्या कह रहा है, 20 केजी आलू का दाम 400 रुपया है। कितना है? 400 रुपया। तो 1 केजी आलू का दाम बताएं, कितना? 1 केजी आलू का। तो यहाँ कह रहा है क्या, चूंकि 20 केजी आलू का दाम 400 रुपया है। ठीक है, तो हम यहाँ फिर क्या करेंगे, इसलिए 1 केजी का दाम निकालेंगे। ठीक, 1 केजी आलू का दाम 400 बटा 20। क्या करेंगे? 400 बटा 20। और यहाँ पे एक है, तो एक से हम गुना भी कर सकते हैं, गुना ना भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे कि हम आपको ऊपर की क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया है, तो 100 ग्राम का निकालने के लिए बताए थे, तो 100 ग्राम के लिए क्या किए थे? 1000, मतलब 1 केजी बराबर 1000 को हम नीचे किए थे और 100 को हम गुना किए थे, इसी प्रकार से हम यहाँ भी कर रहे हैं। 20 केजी आलू का दाम निकाल दिया गया है 400 रुपया, तो 1 केजी आलू का दाम हम निकाल रहे हैं, तो 400 बटा क्या करेंगे? 20 करेंगे। सिंपली हम फिर काट लेंगे इसको, तो 2 से 20 मरतबे। ठीक है, तो 1 केजी आलू का दाम कितना आ गया मेरा? 20 रुपया। ठीक, यही हो गया मेरा आंसर।
अगर यहीं पे बोलता है कि 5 केजी आलू का दाम बताएं, तो क्या करते हैं, 5 से गुना करते हैं। यहाँ पे कहाँ पे गुना करते, यहाँ पे 5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।